बाउलो गूज़बम्स रीलोडेड जो दर्जनों नहीं क्विंटल्स के भाव मिलने वाले हैं, वो भी द वन एंड ओनली विकी कौशल के द्वारा। बाबू ये बंदा कतई एआई है, कब क्या कैरेक्टर में घुस जाए इसके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। छावा का टीजर ड्रॉप आउट हो चुका है और बाबा टीजर आग मूत रहा है, मुगलों की तस्वीर फाड़ रहा है और ढेर सारे गूज़बम्स ये छोटा सा टीजर अभी से देकर चला गया है। बाबू विकी कौशल लुक सैवेज मराठा लायन जो छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं, सेकंड लाइन आफ्टर द शिवाजी महाराज, जिन्होंने सेम अपने पिताजी शिवाजी महाराज की तरह मुगलों और औरंगजेब की तस्वीर फाड़ के रखा था। भाई मैडॉक फिल्म बॉलीवुड को पुनर्जीवित कर रहा है। अभी भी स्त्री 2 और देन उसके बाद छावा, भाई लिटरली बहुत प्रॉमिसिंग टीजर है। विकी कौशल का ये मराठा रूप देखने को दिल मचल रहा है, जहां फुल वाइफ सेट हो रही है रणवीर सिंह के बाजीराव के कैरेक्टर से, भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होने वाली है और सॉलिड सैवेज वॉर एक्शन पूरी मूवी में देखने को मिलने वाला है। तो अब बात अगर हिस्ट्री की है तो थोड़ा हिस्ट्री पर भी नजर मार लिया जाए। छत्रपति संभाजी महाराज जो एल्डेस्ट सन थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, बहुत लंबा जीवन नहीं था इनका, मात्र 32 साल की उम्र में ये मारे गए थे, लेकिन छोटी सी उम्र से ही मुगलों की फाड़ के रखी थी इस बंदे ने। जन्म 1657 में हुआ था और एग्जीक्यूट करे गए थे अराउंड 1689 में, जहां इन्हें लास्ट वॉर संगमेश्वर में 25 इनके खास एडवाइजर के साथ मुगलों द्वारा कैप्चर कर लिया गया था और उन्हें भी औरंगजेब ने तड़पा तड़पा के मारा था। बुरी तरीके से टॉर्चर होने के बाद भी ये बंदा औरंगजेब से एक बार भी ना डरा ना घबराया, जबकि औरंगजेब ने इसे कन्वर्ट करने के लिए, इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए मौका दिया, बजाय इसके भाई साहब इसने हंसी खुशी मौत को गले लगाया। लेकिन इतिहास में इनकी मौत सबसे दर्दनाक मौत में काउंट करी जाती है और सबसे बहादुर वॉरियर में भी ये काउंट करे जाते हैं। और टीजर में जो ये वॉर देखने को मिल रही है, जहां विकी कौशल अकेला पूरा मुगलों की सेना से लड़ रहा है, ये लास्ट संगमेश्वर की ही वॉर हो सकती है। मेन लीड पर विकी और रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाले हैं। डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर हैं, दिनेश विजान इसके मेकर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने स्त्री यूनिवर्स दे रखा है, तो नो डाउट भाई ये मूवी भी दमदार होने वाली है। डेट नोट कर लो, मूवी 6 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी और किसी का बाप इस मूवी को टक्कर नहीं दे पाएगा, इन नॉर्थ इंडिया लिख के ले रहो। बाकी अगर तुम चाहोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो छत्रपति संभाजी महाराज के वॉरियरशिप की गाथा के बारे में जरूर बना सकते हैं, तो अपना प्यार जरूर देना नीचे कमेंट बॉक्स पर अगर चाहिए होगा तो। फिलहाल भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, छत्रपति संभाजी महाराज की मैंने बायोपिक पढ़ी है जो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करती है, मोटिवेट भी करती है और दर्दनाक तो है ही है। कि यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।